आई डोंट हैव ऑल द रूल्स रिटन हियर सो आई विल बी रीडिंग देम अलाउड और आप लोग जो है वो सुनते जाएंगे. वेयर इज माय चैट हियर. ओके, कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले ये होता है कि एक पैराग्राफ आता है, एक पैसेज आता है और वो आपको देखते हैं कि क्या ये पैसेज समझ आ गया है या नहीं. ठीक है, एंड टू चेक दैट व्हाट दे डू इज दे आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर दैट पैराग्राफ. सो यू रीड इट एंड यू रीड द पैराग्राफ. एक मिनट मैं लिख लूं कि हम कर क्या क्या चुके हैं. कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं, ऐसे कर चुके हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज. पंक्चुएशन इज डन एंड एनालॉजीज आर डन टू, राइट? ओके, वी आर मूविंग फास्ट. सो वी विल बी डूइंग आवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेक्स्ट टाइम. अच्छा जी, कॉम्प्रिहेंशन ये कहती है कि आपने एक पैराग्राफ लिया, आपने उसको समझ लिया और अब आप जो है नीचे जो गिवन क्वेश्चंस हैं यू विल आंसर देम. ठीक है, कॉम्प्रिहेंड मींस टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ग्रामेटिकली सिंटैक्स मेंटेन होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आंसर. ये सारी वही कहानियां है जो पीछे हम प्रेसी में कह रहे थे. रूल्स ये हैं कि प्रेसी हमने 3 times पढ़नी थी. ठीक है, 3 times, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बल्कि 3 times. कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कोई रूल नहीं है. कॉम्प्रिहेंशन आपकी कंपैरेटिवली इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और जो प्रेसी का पैसेज आता है इट इज यूजली वेरी 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 डिफिकल्ट. तो इजी पैसेज को आप ये करते हैं कि यू रीड इट वंस, देन यू गो डाउन टू रीडिंग द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप फिर ऊपर जाते हैं और आप अपना पैसेज दोबारा पढ़ते हैं. और जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो अपने क्वेश्चंस के अंदर जो की वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं या की फ्रेज को अंडरलाइन करते जाएं. ठीक है, मैं पूछती हूँ व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार. इसके अंदर मेन बात क्या है, की वर्ड क्या, की फ्रेज क्या है? बाय अ कार या कार या बाइंग अ कार. ठीक है, दैट इज द की फ्रेज या की वर्ड. उसके बाद मैं पूछती हूँ जी व्हाई वॉज द ऑथर एंग्री, व्हाट इज द की वर्ड और द की फ्रेज? इट इज एंग्री, राइट? ऑथर नहीं, एंग्री. ऑथर तो मतलब वो कोई भी बंदा होगा जो बात कर. ठीक है, एंग्री इसके गुस्सा क्यों था या उसको गुस्सा चढ़ा क्यों था, वो आंसर में वो एक्सपेक्ट कर रहा. ठीक है, अच्छा ये हमने अंडरलाइन कर लेना है. देन वी विल रीड द पैसेज अगेन. हीटर ऑफ कर दो. एंड वी विल अंडरलाइन द की वर्ड्स दैट वी हैड अंडरलाइंड इन आवर क्वेश्चंस. यू विल फाइंड द एग्जैक्ट की वर्ड्स इन योर पैसेज टू. तो बेसिकली जो आपने पैसेज के अंदर अंडरलाइन किया तकरीबन उससे 2-3 lines ऊपर और 2-3 lines नीचे जो है आंसर एक्सपेक्टेड होता है. दैट इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, लेकिन हर वक्त 100% वहीं पे आंसर नहीं होगा. FPSC है इसीलिए वो इतना इजी पैसेज आपको देगी नहीं कि आपका जहां पे आपने अंडरलाइन किया एग्जैक्टली उसके ऊपर और नीचे जो है वो आंसर होगा. तो आंसर इधर उधर स्कैटर्ड भी हो सकता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं. द फर्स्ट वन इज 2 or more क्वेश्चंस कैन हैव अ सेम ओवरलैपिंग आंसर. ठीक है जी, 2 or more क्वेश्चंस कैन हैव अ सेम ओवरलैपिंग आंसर. पॉसिबल है. ठीक है, उसके बाद आता है आंसर्स मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स. बातें वही होनी चाहिए जो पैसेज में हुई हुई है लेकिन अपने ओन वर्ड्स में उन बातों को करके लिखना है. सेम लाइंस कॉपी पेस्ट नहीं करनी है. ठीक है, आगे आते हैं स्टार्ट और एंड विद द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे आंसर्स क्वेश्चन से ही, कुछ होंगे जो एंड हो जाएंगे उस पे. जैसे कि मैं पूछती हूँ व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, तो आप लिखेंगे द ऑथर बॉट अ कार, सवाल से ही शुरू किया, बिकॉज ही हैड मनी और व्हाटएवर द रीजन इज गिवन इन द पैसेज.
जिस भी वजह से उसने गाड़ी खरीदी है, यू विल राइट दैट रीजन, ठीक है, या इस पे एंड करेंगे. कई दफा इससे शुरू नहीं हो पाएगा तो मैं पूरा author had a lot of money, author had this and that, flan flan, he had an issue walking to school every day, hence the author bought a car. theek hai ji, to ya main us pe start karungi ya main us pe end karungi, lekin my question should be a part of my answer. theek, no incomplete sentences. jaise ki why did the author buy a car, aur aap khushi se keh de because he had money. because se shuru karna, ये चंक्स में जवाब लिखना नॉट एक्सेप्टेबल. लेंथ जवाब की क्या होनी चाहिए? 6 to 8 लाइंस लॉन्ग. इट माइट साउंड अ लॉट, लेकिन आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो एटलीस्ट इतना लंबा होना चाहिए. ठीक है, 6 से 8 लाइनों का लंबा आंसर होना चाहिए. वेयर एवर इट कैन गो दिस लॉन्ग, सॉरी, हर जगह नहीं होगा, हर दफा 6 to 8 लाइंस लॉन्ग नहीं हो पाएगा, कई दफा एक ही सेंटेंस होगा एंड दैट इज ओके. ठीक है, जैसे कई दफा वो आपको कहेगा कि इसका टाइटल बना दे, गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. अब टाइटल आप 6 लाइंस में नहीं लिख सकते, यू विल राइट अ 1 लाइन आंसर फॉर दैट. कई दफा वो आपसे सीधा कह देगा कि व्हाट वाज द ऑथर्स डेट ऑफ बर्थ, आप सीधी डेट ऑफ बर्थ एक लाइन में लिख देंगे. ठीक है जी, सो वो आपने अपनी सोच से थोड़ा सा एनालाइज करना है कि दिस आंसर कैन बी ड्रैग्ड डाउन टू 6 to 8 लाइंस. इफ यू कैन डू दैट, वेल एंड गुड. ठीक हो गया, आगे आते हैं यूज ऑफ आई और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. ठीक है जी, इसके अंदर प्रेसी की तरह प्रोहिबिटेड नहीं है. हाँ जी, रूल्स उसके टाइटल पे आएंगे लेकिन वो प्रेसी वाले ही होंगे. ये जो है आपका यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है. ठीक है, प्रेसी में तो बिल्कुल बैन था. इसमें कई दफा आपको क्वेश्चन दे देगा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस. अब आप जवाब में अगर लिखते हैं माय ओपिनियन इज दिस एंड दैट एंड जो भी, माई इज अलाउड. ठीक है, किसी ऐसी जगह पे आपको टेंस की जहां तक बात आती है, मतलब योर आंसर मस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन और एंड एट सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, या तो मैं इससे शुरू कर दूं द ऑथर बॉट अ कार बिकॉज, और जो भी जवाब बनता है, या मैं इस पे एंड कर दूं ऑथर हैड मनी, ही हैड टू वॉक टू द स्कूल, ही यूज्ड टू गेट टायर्ड, so he bought a car. ठीक है जी, I must either end or start my answer on parts or chunks of the question. Next is your tense. प्रेसी में हम restricted थे कि हमारा same tense होना चाहिए जो आपके passage का है. यहां पे possibility है कि आपका passage past tense में था. Author आपसे future tense की कोई बात मांग लेगा. Author will tell you how will this thing affect the life of people in future. You will be writing an answer in the future. This will do this, this will do that. So here the tense is as per the requirement of the question. Past ka pucha hai, past ka jawab de de. Present ka pucha hai, present ka jawab de de. Future ka puchega, future ka de de. Most of the questions will be in the past tense. ठीक है जी, व्हाई डिड द ऑथर डू दिस, मोस्ट ऑफ देम आर इन पास्ट टेंस. ओके, आगे जाते हैं तो आपसे वो आपका कमेंट या आपकी थॉट्स या आपका ओपिनियन मांगेगा ऑथर, चेकर जो है, पेपर सेटर जो है. उसके अंदर पहली बात तो ये कि आप अपने आई और वी यूज करना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करना अलाउड हो जाते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, कभी भी ऑथर के ओपिनियन को ट्राई करें कि निगेट ना करें. ठीक है, अनलेस और अनटिल नीडेड, अदरवाइज. देखिए, आपको पैसेज आएगा लिटरेचर के ऊपर, पैसेज आएगा पोइट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर,
इस तरह के फिलोसफी के ऊपर, ये ऐसे रैंडम से जो है आपके देते हैं वो लोग टॉपिक्स, तो ट्राई टू सिंक योर कमेंट और योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑथर, क्योंकि आप जैसे ही उसको सपोर्ट करेंगे कि जी ये ठीक बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इस ओपिनियन को कि ऐसा ही लिटरेचर अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी लाती है बंदे में, जो भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव उसकी बातें, ये कैसे इजी हो जाएगा कि आप अपने आंसर को सपोर्ट जिन आर्ग्यूमेंट्स के साथ करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स उस पैसेज से ही उठा लें, क्योंकि ऑथर ने ये बातें पैसेज में की है, मैं इसकी बात को सपोर्ट करता हूँ ये ठीक है, लेकिन सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ये ना हो कि उसने डिसऑनेस्टी पे पैसेज लिखा हो और कहे जी दुनिया में डिसऑनेस्टी अच्छी बातें होनी चाहिए, अब देखें मोरालिटी से घिरी हुई बात है, तो जो मॉरली इनकरेक्ट बात होगी प्लीज अपना थोड़ा सा अकल यूज करना है, फिर ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है? आपका ओपिनियन मांगते हैं जो कि सोशली इनकरेक्ट चीज नहीं है, बट स्टिल यू थिंक कि मैं ऑथर की बात के साथ नहीं हूं सहमत, यू आर एट लिबर्टी टू निगेट हिज पॉइंट एज लॉन्ग एज यू आर गुड टू यू नो काउंटर हिज आर्ग्यूमेंट। आपके पास इतने पॉइंट्स हैं कि मैं ये जवाब में लिख के काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख लूंगा तो वेल एंड गुड है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट देन स्टिक टू द स्टांस ऑफ द ऑथर, और सिंपली जो बातें उसने पैसेज में की हैं वही बातें लिख के कहें क्योंकि इसने ये बातें की हैं, मैं इसकी स्टांस को एंडोर्स करता हूँ, इसको ठीक समझता, इस मेरा ओपिनियन यही है जो ऑथर का ओपिनियन, ठीक है जी? तो ऑथर के ओपिनियन आपका जब भी आपसे वो कमेंट और योर पर्सनल थॉट्स मांग। आगे आते हैं जी, टाइटल का क्वेश्चन आता होता है कई दफा, वो कहते हैं कि आप गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, ठीक है? अब इसके अंदर क्योंकि ये क्वेश्चन होता है एंड यू हैव टू आंसर इट, ठीक है? So how you are going to answer it? You'll say the most suitable title for this passage is colon. You go to the next line. अब अगली line के दरमियान में होके बिल्कुल वही rules follow करते हुए, no inverted commas, no punctuation mark at the end, no underlining, no total full upper case capitalization नहीं करनी है, ठीक है? One word नहीं होना चाहिए, 3 to 6 words की length होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद है कोई प्रोवर्ब, कोई कोटेशन आपका टाइटल नहीं होनी चाहिए। सो ऑल दोज रूल्स दैट वी हैड लर्नड इन आवर प्रेसी शैल बी अप्लाइड हियर, ठीक है? द डिफरेंस इज दैट यू विल बी एडिंग वन लाइन, के क्वेश्चन से स्टार्ट करना था तो क्वेश्चन क्या था, गिव अ सूटेबल टाइटल, तो आप लिखेंगे द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज कॉलन। यस, इसमें भी गुड क्वेश्चन, I should add it in my lecture too. Yes, all your answers because they are 6 to 8 lines long. So basically, you are writing a paragraph. 6 se 8 lines ka paragraph hi hota hai. So you have to indent them. ठीक है? Indentation in all the questions. जो कि 6 se 8 lines के. Right. टाइटल भी हो गया। अब आते हैं जी, कई दफा क्वेश्चन नीचे आ जाता है वर्ड मीनिंग्स का, ठीक है? इधर मैं लिख लेती हूँ इंडेंट ऑल योर आंसर्स, नॉट द टाइटल, इन दिस टाइटल का क्वेश्चन आया है, आप नीचे लिखेंगे द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस passage, for the given passage, for the given passage is, this is where the colon comes, I go to the next line, aur mera title kya ho raha hai, democracy in Pakistan, for instance, yehi hissa beta mera title, darmiyan mein humne kaha tha ki hum koi na koi use kar sakte hain punctuation mark if we want, center mein with a marker, marker nahi hai to isko main bold kar rahi hu because I use always a blue marker, so I am writing it in blue. This is how it should look. इसमें नहीं होगी, this is just a line, this is just one line, ठीक है? लेकिन paragraphs के अंदर we will indent them all. 6 से 8 lines वाला जो जवाब होगा उसको हम indent करेंगे, ठीक हो गया? Okay. आगे आते हैं कि हमें कई दफा एक question आता होता है जो कि कहते हैं words and meanings. अब एक सवाल आता है कि इस words की meaning लिख दें,
उन वर्ड्स को यूजली जो है वो अंडरलाइन किया होता है, ठीक है। अब ये बड़ा इजी होता है सवाल जब वो आपको सिंपली कह देते हैं कि अंडरलाइंड वर्ड्स है, इनके मीनिंग्स लिख दे, फेयर इनफ, यू गो एंड राइट द मीनिंग्स। प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि जब वो कहते हैं कि इनके मीनिंग्स को सर्च करें सिनोनिम्स फ्रॉम द सेम पैसेज। अगर उसने जब मीनिंग कहा था, आप कोई भी मीनिंग कहीं से भी अपनी मर्जी से लिख दे, अब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जब वो कहता है राइट सिनोनिम्स फ्रॉम द सेम पैसेज, उस पैसेज के अंदर से ही दूसरा वर्ड ढूंढना है जो उस जैसा लगता है। इसकी एग्जाम्पल है ये, द पैसेज वॉज लॉन्ग डार्क एंड डिफिकल्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पास थ्रू इट, द हार्ड सिचुएशन हैड मेड द ऑथर कम बैक। अंडरलाइन है हार्ड, वो कहता है इस हार्ड वर्ड के लिए पैसेज ओके पैसेज के अंदर से ही एक दूसरा वर्ड ढूंढे जो कि हार्ड का सिनोनिम होगा। व्हाट इज इट? डिफिकल्ट इट इज। हार्ड बेसिकली इज, डिफिकल्ट इज क्लोजर टू इट, ऑल्दो इम्पॉसिबल इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हार्ड, लेकिन डिफिकल्ट इज द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ इट। डार्क वुड बी नॉट हार्ड, डार्क इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ हार्ड। मे बी मेटाफोरिकली, मे बी फिगरेटिव लैंग्वेज में डार्क और हार्ड को कहीं पे इकट्ठा करते होंगे, बट लिटरली दिस इज डिफिकल्ट इज द सिनोनिम ऑफ हार्ड। ये तीन लाइनें थी, इसके अंदर फिर भी टफ कहां है? वेयर इज टफ इन द पैसेज? आपने पैसेज में से ही लिखना है, हाँ, फिगरेटिव में नहीं ना करना, वो आपके इसमें से अंदर से ही। सो यू फाइंड द वर्ड विद इन द पैसेज, नॉट ऑलवेज शाराम बच्चे, ओनली व्हेन आस्क्ड। जब सवाल ये होगा कि सिनोनिम या मीनिंग शुड बी फ्रॉम द सेम पैसेज, अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो पांच वर्ड्स को अंडरलाइन कर देगा। ये तो तीन लाइनें, वो तकरीबन 20-25 लाइन का बड़ा पैसेज होता है, एक एक वर्ड के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है पूरा पैसेज, तो वो बहुत गंदा क्वेश्चन होता है, इट्स अ बैड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, ठीक है जी। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम एक प्रैक्टिस के ऊपर, दीज आर ऑल द रूल्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वी हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। हियर इज वन क्वेश्चन ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, देन आई कैन मेक इट बिग। तो आई विल गिव यू गुड 10 मिनट्स टू रीड इट, ठीक है। रीड करने के बाद आपने नीचे क्वेश्चंस रीड करने हैं, ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरलाइन, बट अपने पास की फ्रेजेस लिख लें, ठीक है। उनको लिखने के बाद आपने आंसर्स ढूंढने हैं ऊपर पैसेज के अंदर, पर याद रखें आंसर एक ही जगह पे नहीं होगा, ठीक है। आंसर्स आपके ऊपर नीचे आगे पीछे गलत गलत जगहों पे दिए हो सकते हैं, ठीक। तो आपने पूरे पैसेज में आंसर एक ही जगह एक्सपेक्ट नहीं करना, एक चंक फर्स्ट पैरा में होगा, एक चंक सेकंड पैरा में होगा, एक चंक थर्ड में होगा। इफ यू डोंट नो द मीनिंग तो फिर तो काम ही खराब हो गए बस फिर वो, लेकिन जगह खाली छोड़ के नहीं आनी, आपको वो लाइन पढ़ के जो मीनिंग समझ आता है राइट इट डाउन, ठीक है। अगर मीनिंग नहीं भी आता, राइट अ मीनिंग डाउन। अच्छा, फिर एक और दो बातें ये इंपॉर्टेंट हैं, एक मिनट, ये आप लोग जो चीजें पूछते हैं वो आई नोट इट डाउन इन माय लेक्चर एज वेल, क्योंकि वो अक्सर किसी ना किसी बच्चे का वो क्वेश्चन जहन में होगा। अच्छा, आपके चेकर के पास देखिए की पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं, बुलेट्स, ठीक है। यस, देयर इज एन इंडेंटेशन इन एवरी आंसर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, 6 से 8 लाइनों पर जो जाएगा उसको जरूर करें। अच्छा, अब ये है कि आपका जो चेकर है वो, उनके पास होते हैं की पॉइंट्स। अब आपने अपने वर्ड्स में उस की पॉइंट को जैसे मर्जी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगेन लाइक प्रेसी, वी आर गोइंग फॉर सिंपल इंग्लिश हियर टू, ठीक है। इधर भी मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखनी है। दूसरी बात यह है कि आप
कि जो कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन होता है ना वो बड़ा छोटा सा होता है. ये देखें, एक एक लाइन का सवाल है. यू विल राइट द क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, राइट द क्वेश्चन टू. मार्कर से सवाल लिखा, नीचे इंडेंट किया, राइट योर आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म. अगला क्वेश्चन लिखा, नंबर भी क्वेश्चन का, राइट द आंसर टू दैट. ठीक है, राइट द क्वेश्चन सो दैट द चेकर डजंट हैव टू पिक द क्वेश्चन पेपर एवरी टाइम ही इज रीडिंग एन आंसर कि इसका सवाल कौन सा था. इज द चेकर. ठीक, आई विल गिव यू गुड 10 मिनट्स. ठीक है, इस कॉम्प्रीहेंशन एंड इट स्टिल मूव्स से ये शुरू होती है, 2010 की पास्ट की कॉम्प्रीहेंशन है. इसका मतलब ये था कि गलीलियो ने कह दिया, यस इट्स पेस्टेड हियर. गलीलियो ने ये किया कि कहा कि जी सन इज अ स्टेशनरी स्टार एंड अर्थ जो है वो मूव करती है. उसकी इंटेरोगेशन हो गई उस टाइम पे, उनके रिलीजियस व्यूज थे जो हर्ट हो गए. वो लोग सन को जो है वो करते थे, वर्शिप करते थे. उन्होंने कहा जी ये तो दिस हैज बिन, दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द गॉड. तो उन्होंने उसको टॉर्चर किया, उसको गलत वलत कहा, उसको कहा कि जी इसको फांसी देंगे. ठीक है जी, उस पे उसको आखिरी टाइम पे भी कहा कि जब उसको हैंग कर रहे हैं, उसको वो जो भी है पनिशमेंट दे रहे थे फाइनल. ठीक है, उस पे कहा कि जी इफ यू आर विलिंग टू टेक योर वर्ड्स बैक, कह दो कि गलती हो गई थी, गलती से मुंह से निकल गया था, तो हम आपको भी माफ कर देंगे. तो वो बेचारा ऑल्टर पे जाते हुए भी कह रहा है कि एंड स्टिल इट मूव्स, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज देयर नॉट टू अंडरस्टैंड. अर्थ मूव करती है भाई और सन स्टेशनरी है. ये पूरी कहानी है बैकग्राउंड में. अब आपको पैसेज आगे समझ आ जाएगा. ठीक है जी, तो आई एम क्लोजिंग द चैट. आई एम गिविंग यू गुड 10 मिनट्स. इट्स 6:38, प्रोबेबली इट्स अबाउट टू गेट 6:39. मैं आपको 6:49 पे अब वापस बज करूंगी. 6:39 इट इज. देयर यू गो.
अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है तो यू कैन आस्क इट एंड आई विल टेल यू द मीनिंग हियर.
नहीं आया, दैट इज वेरी स्ट्रेंज. एक बच्चे ने कहा है कि समझ नहीं लग रहा. ठीक है, हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन वील गो डाउन टू द क्वेश्चंस. बट दिस इज लिटरली द इजिएस्ट ऑफ ऑल द पैसेजेस. आई विल गिव यू द 2017 वन फॉर द होमवर्क एंड यू विल कम टू नो व्हाट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज. ठीक है जी, देखें यू डोंट हैव टू स्किम थ्रू एवरीथिंग. What you do is you slowly and steadily read each and every line और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चले जाया करें. देखें, शुरू होता है गलीलियो की बात के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ. जी गलीलियो के साथ ये जुल्म हुआ, ठीक है, उसको कहा कि जी वापस लो जो तुमने बोला है, इस बात को वापस करो. उन्होंने कहा जी ये आज भी दुनिया में अप्लाई हो रहा है. पहले लोग जो थे नॉलेज डिस्कवर करके, मेहनत करके इस प्लेनेट को अच्छी और हैप्पी जगह बनाने के लिए काम करते रहे, ठीक है, और हमें हैंड डाउन किया एज अ हेरिटेज. और हम क्या कर रहे हैं जी, वो जो हेरिटेज हमें हुआ मिला है हम उसको बिट्रे कर रहे हैं. हमें हैंड डाउन किया ना, आपके दादा पर दादा आपको अपनी जमीनें हैंड डाउन करते हैं, हेरिटेज में आपको देते हैं, आप वो सारी बेच दें, तो आपने बिट्रेयल ऑफ योर ट्रस्ट किया, ठीक है. लेकिन आप में से उस जमीन के ऊपर कोई काम काश्त करेगा, कोई जमीन जारी करेगा, किसी फार्मर को आगे रेंट आउट कर देगा, उसके ऊपर अपनी और अर्निंग बढ़ा देगा, तो फिर उसने अपने ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया, वो उस पे काम कर रहा है. अच्छा, फिर दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि जी पुराने जमाने के बूढ़े बड़े मर्द औरतें जितने थे उन लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया. ये गलीलियो मरने पे चला गया बेचारा, अल्टर पे जा रहा था, उसकी मत मारी थी कि वो सन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है. क्यों कर रहा था? कि साइंस और टेक्नोलॉजी आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है जी. अब क्या है कि उनका जितना काम है उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, टाइम कम्फर्ट ट्रेजर सब कुछ दे दिया ताकि फ्यूचर जनरेशन सुकून से रहे. अब हम लोगों की जो जनरेशन है वो इन सब चीजों का शिकार होते हुए हम क्या कहते हैं, हमारे कान में एक हल्की सी आवाज आती है जी बैठ के एंजॉय करो. तो हम रादर देन वर्किंग ऑन वट एवर दे हैव हैंडेड डाउन टू अस, कि हम उस पर फर्दर काम करके उसको कुछ अच्छा बना दें, ताकि दोज हु आर येट टू बी, मतलब हमारे बाद जो अगली जनरेशनों ने आना है उनके लिए हम कोई काम करके जाएं. हम मजे से क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं जो पिछले लोगों ने हमारे लिए मर खप के काम किए थे, और खत्म. तो ये है पूरा पैसेज. इसमें क्या चीज मुश्किल थी जो समझ नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा था कोई मुश्किल वर्ड आएगा तो मुझसे पूछ ले. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट एग्जैक्टली द सेम वे, राइट? बाकी सबको समझ लगा ऐसे ही? ओके. वो जिस बच्चे को समझ नहीं आया था बेटा, अब समझ आ गया. ओके. अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. व्हाट मेड गलीलियो रिकेंट द ट्रूथ ही न्यू? रिकेंट कहते हैं टू गिव अप, जो एक चीज पता होती है उसको ना मानना, ठीक है. तो उसको कहा था कि जो रिकेंट करो अपना ट्रूथ, वापस लो अपनी बात, ठीक है. व्हाट वॉज मेकिंग हिम रिकेंट द ट्रूथ? कौन फोर्स कर रहा था उसे? Write the answer here. The tortures faced by the judiciary. Faced by नहीं, tortures faced by the judiciary का मतलब है जो judiciary बेचारी जो tortures face कर रही थी, ठीक है. The tortures given by the judiciary made Galileo to recant or renounce the truth that he knew. Interrogation of the torture of the Inquisition. ठीक है, basically टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन. जैसे आप प्रेसी के अंदर एक फ्रेज उठाना अलाउड थे, इसी तरह फ्रेजेस आप कॉम्प्रिहेंशन में भी अलाउड है. तो इसको अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, इंटेरोगेशन और टॉर्चर ऑफ द इंक्वायरिंग बॉडी या ऑफ द नहीं, आपको कैसे पता ये वर्शिप सन वाली बात मैंने बोली है, कहीं पैराग्राफ में नहीं लिखी है, खुद से नहीं लिखनी, अनलेस और अनटिल आपका ओपिनियन मांगा जाए, वहां आप खुद से बातें डाल सकते हैं, ठीक है. टॉर्चर्स ऑफ द कैथोलिक चर्च, टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन, टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन. रोमन कैथोलिक चर्च को भी इंक्विजिशन कहते हैं पुरानी इंग्लिश में, ठीक है, और इंक्वायरिंग बॉडी को भी इंक्विजिशन कहते हैं. सो दिस इज द आंसर. अब ये आंसर एक ही लाइन पे है, इसको चाह के भी मैं लंबा नहीं कर सकती, 6 से 8 लाइनों पर यह नहीं जा सकता. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 1 से 2 लाइनों पर ही होगा, एंड दैट इज ओके, ठीक है, सवाल ही छोटा था. Next one, there is a catch in this question. What is the heritage being alluded to? Allude to का मतलब होता है कि किसी चीज की तरफ indirectly इशारा करना, ठीक है ना.
तो हेरिटेज किस चीज की तरफ इशारा कर रही है इन द हाँ रेफरिंग टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ. नो और ये इतना चंक में आंसर यस फरजीन इज राइट. लेकिन नॉलेज एंड डिस्कवरी तो ठीक है लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही आएगा दैट्स इट. इस क्वेश्चन को मैं आपको 6 to 8 lines पे ले जा सकती हूँ. आई कैन लेंथन दिस आंसर हाउ. इसके अंदर 2-3 बातें आ सकती हैं. हेरिटेज क्या है सेटलिंग आर ओल्ड वेज डिस्कवर्ड नॉलेज. मुझे ये बताएं पहले ये बता दें कि इस सवाल का मतलब क्या था. इस सवाल का एग्जैक्टली मतलब क्या है. ठीक है हेरिटेज फर्स्ट पैराग्राफ में किसकी तरफ इशारा कर रहा है. एंड ऑल ऑफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू द फर्स्ट पैराग्राफ. ऑफ कोर्स क्योंकि सवाल में ही फर्स्ट पैराग्राफ आया है इन द फर्स्ट पैराग्राफ है ना. यू आर मिसिंग द फर्स्ट पैराग्राफ वाली बात. सेकंड में भी है यही तो बात है लेकिन उन्होंने जो कह दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ. फिर बच्चे इस क्वेश्चन को लेते हैं कि हेरिटेज का किस तरफ इशारा किया जा रहा है पहले पैराग्राफ के अंदर. ऑल्दो बेसिकली दिस क्वेश्चन मीन्स कि हेरिटेज का जो वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में यूज हुआ है हियर इट इज ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है. अब वो इशारा इस पैराग्राफ में भी कर रहा है इसमें भी कर रहा है थोड़ा बहुत इसमें भी कर रहा है. ठीक है जी. तो बेसिकली आपके इसके आंसर में 2-3 बातें आती हैं. नॉलेज एंड डिस्कवरीज जो कि पुराने ओल्ड पीपल ने की थी ओल्ड जनरेशन ने की थी फॉर मेकिंग लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वर्थ लिविंग गुड पॉजिटिव और फ्यूचर जनरेशन जिनको वो हैंड डाउन हो रही है हेरिटेज उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे वर्क ऑन इट फर्दर फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन टू कम. ठीक है जी. ये इस हेरिटेज की बात हो रही है वो सारा नॉलेज और डिस्कवरीज जो पुराने लोगों ने काम की थी. ठीक है तो मैं इस पूरी बात को जब इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखूंगी आई कैन ड्रैग इट डाउन टू 6 lines 6, 7, 8 आराम से बन जाएंगे. मेरे एक लाइन में 8 words आते हैं तो प्लीज काउंट योर नंबर ऑफ लाइंस एज पर योर हैंड राइटिंग. ठीक है मेरे 6 to 8 lines में 8 words होते थे एक लाइन पे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ आ गया. ये वो हेरिटेज है जो बड़े पुराने मेन और वुमेन ने जिसपे काम किया था पास्ट में एट कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट दे हैड फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मेक देयर लाइव कंफर्टेबल और फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए था कि वो आगे उस पर काम करे. ये वाला पॉइंट आप ऐड कर भी दें या ना कर दें इट डजंट मैटर. देखें आपके चक्कर के पास होती है बुलेट्स लिखे हुए पॉइंट्स. ठीक है ट्राई टू क्लिक ऑन एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन. उस क्वेश्चन के अंदर जितनी बातें फिट आती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो डालें. ज्यादा लिखना विल नेवर बी अ प्रॉब्लम अंडर राइटिंग विल बिकम एन इश्यू. जब आप कम लिखेंगे कोई पॉइंट मिस करेंगे तो चेकर के पास 3 bullets थी आपने 2 लिखे तो 1 bullet के नंबर कटेंगे. लेकिन चेकर के पास 3 bullets थी आपने 4 लिख दी है 3 के नंबर तो मिल गए. ठीक है अगला क्वेश्चन. व्हाट डज बिट्रेयल ऑफ आर ट्रस्ट इंप्लाय. बिट्रेयल ऑफ आर ट्रस्ट किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है बिट्रेयल ऑफ आर ट्रस्ट. किस चीज को इंप्लाय का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा बता रहा है या इशारतन क्या कह रहा है. बिट्रेयल ऑफ आवर ट्रस्ट धोखा देना डिस्कवरीज करना धोखा देना होगा. यस एंड हाउ आर वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेरिटेज. फरजीन इसको और एलेबरेट करें ना. हाउ एग्जैक्टली आर वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेरिटेज. यस नॉट फुट हाउ आर वी नॉट फॉलोइंग द फुट स्टेप्स.
बाय लिविंग इन पीस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग. एग्जैक्टली. अब इसके अंदर दो चार चीजें आती हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है कि बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट. पहले ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट इज समथिंग दैट वॉज हैंडेड डाउन टू अस, विच इज द हेरिटेज विच वॉज हैंडेड डाउन टू अस बाय द ओल्डर जनरेशन, बाय द ओल्डर मैन एंड वुमेन, जिन्होंने वो सब कुछ पाया था by giving up their time, treasure, everything, their life actually, whole of it. ठीक है? Third point, the present generation, we are sitting and enjoying it all. This is betrayal of the trust. दो generations का betrayal कर रहे हैं. पिछलों ने इतनी मेहनत करके हमें hand down किया, हमने उसके ऊपर further कोई काम ना किया, बैठ के enjoy कर रहे. Future generation, those who are yet to be, उनके साथ betrayal हम ये कर रहे हैं कि हमें तो पिछले लोग एक बेटर वर्ल्ड हैंडओवर कर गए थे, लेकिन हम अगले वालों को क्या हैंडओवर करके जाने वाले? नथिंग. यस. अब ये जो मैंने पूरी कहानी तीन चार पॉइंट्स अपने वर्ड्स में बताए हैं, यू कैन राइट 6 to 8 लाइंस ऑन इट. ठीक. नेक्स्ट इज हाउ डू वी क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू क्वेश्चन द ओल्ड ट्रूथ्स एंड वर्क फॉर द न्यू वंस. क्यों जरूरत है? अब इस चीज का आंसर आपके इसमें नहीं दिया हुआ. नाउ दिस इज एन मोर लाइक एन ओपिनियटेड क्वेश्चन कि जी आप बताएं हमें क्यों पुराने सच्चों को जो है वो खरीदना चाहिए, ओल्ड ट्रूथ्स को और न्यू वंस के लिए रिसर्च करनी चाहिए. व्हाई? लाइक आवर साइंटिस्ट डिड. ठीक है, फेयर इनफ. Because the constant thing is change, exactly. To continue the heritage, exactly. आपके जो old truths हैं, ठीक है जी, they change. पहले तो old truths को confirm करें कि वो ठीक भी थे या नहीं, कि वो जो बातें कर गए, आज test तो करें कि sun वाकई stationary है, sun move करता है. तो confirm the old things कि वो सच थी या झूठ थी. Number two, आप उसके ऊपर work करें ओल्ड वालों के ऊपर और उससे न्यू चीजें डिस्कवर करें. ठीक है, गेट न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट. एंड द थर्ड थिंग इज कि आपने ओल्ड ट्रूथ और न्यू को इसलिए करना होता है क्योंकि आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं, टाइम एंड अगेन चेंज आता रहता है. सो कंफर्म करें कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है, चेंजेस को अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें, समझें और उसके ऊपर वर्किंग करें. ठीक है, ईमान बचे. ये वर्शिप ऑफ सन एंड मून वाली बात फिर भी जरा मैंने खुद से बताई थी, तो इसको आंसर्स में हम जरा नहीं डालते होते. इस पैसेज के मुताबिक तो ये उल्टी बात है. पैसेज में वो कह रहे हैं पिछलों का नॉलेज ज्यादा था, पिछलों ने काम ज्यादा किया है नॉलेज पे, डिस्कवरीज पे, हम तो बैठ गए हैं. ठीक है, यस, ओल्ड मेथडोलॉजीज है, उनको न्यू करने की जरूरत है. You can, once in a while, yes, that's fine. You can, we can't make an argument. You can make an argument in this. ठीक है, अब आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि we should not question the old truths and we should not work for the new ones. देखो वो बिल्कुल negate इस बात को करना is not okay. हाँ जी, technology को enhance करने के लिए, changes को adapt करने के लिए, अपने नए पुरानी चीजों से उसको update करने के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, और प्लस कंफर्म करने के लिए कि जो पुराने लोगों ने जो काम किए थे दे वर ऑल करेक्ट और नॉट. ठीक है जी, अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग्स. लास्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एज हाइलाइटेड और अंडरलाइंड इन द पैसेज. उसने एक्सप्लेन कह दिया. जब वो सिनोनिम कहता है इसका मतलब है कि वन वर्ड होना चाहिए. सिनोनिम इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. वेयर एज योर explain the word, explain the words or expressions means बस अपने words में explain करें. It can be a long explanation. तीन चार words की, पांच words की, पूरी line की, दो लाइनों की भी हो सकती. ठीक है, so the first one is inquisition. What is inquisition? Catholic institution, Catholic Roman churches maybe, और एक आपकी interrogatory body जो बनती है ना, जो इंक्वायरीज करती है, हाँ उन्हें भी इंक्विजिशन कहा जाता है. ठीक है जी,
इट कैन बी बोथ. नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट, द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी. यस, व्हाट इज द प्लैनेट, किस प्लैनेट की बात हो रही है, मार्स की या प्लूटो की? इट्स द प्लैनेट अर्थ. सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज अ स्टार. जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं और उस पर कह रहे हैं ऑल दैट हैज बिन डन टू मेक लाइफ ऑन द प्लैनेट हैप्पियर. भाई सन पे कौन हैप्पी है, हैं? द प्लैनेट इज अर्थ. ठीक है जी, आगे आते हैं. फॉल्टर, व्हाट डज फॉल्टर मीन? हाँ जी, अनस्टेडी, स्टम्बलिंग. हाँ ठीक है, इधर जरा लड़खड़ाता हुआ. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज सिनेसिज्म. हाँ जी, व्हाट इज सिनेसिज्म? सेल्फिश, अपना सोचने वाला. नहीं, सिनेसिस्ट तो वो नहीं होते. हाँ, सेल्फिश लोगों को, सेल्फ इंटरेस्ट जिनका होता है, हर वक्त अपने बारे में अपना 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 करते रहना, ये होते हैं. ठीक है जी, और क्या है? दोज हु आर येट टू बी. फ्यूचर जनरेशंस, यस. तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स, और इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, वो मैं बिला वजह ऐड कर दूंगी. प्लीज गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज प्लीज. उन्होंने क्वेश्चन में सिनोनिम नहीं कहा, उन्होंने कहा एक्सप्लेन द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, जस्ट एक्सप्लेन. हाँ, अगर वो कहता है कि वन, अगर आप वो प्रॉपरली कहता कि आप सिनोनिम्स लिखें, फिर आपने वन वर्ड ही लिखना था. नॉट एग्जैक्टली, दैट्स फाइन, इट डजंट हैव टू बी इन कॉन्टेक्स्ट विद द पैराग्राफ. उसने कहा है वर्ड्स का मीनिंग लिखते हैं, इफ अ वर्ड हैज टू और थ्री मीनिंग्स यू राइट विच एवर मीनिंग यू लाइक. कंटिन्यूइंग द हेरिटेज, ओके बेहतरीन. कैरियंग द हेरिटेज, द लेगेसी कंटिन्यूज, बेहतरीन. इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज, आखिर में फुल स्टॉप, मेमुना, नो. एडवांसमेंट ऑफ द हेरिटेज होगा, एडवांसमेंट द हेरिटेज. इसके बीच में कुछ मिसिंग है. डिस्कवरीज बेस्ड ऑन पास्ट रिसर्च, बेस्ट. सर्च फॉर न्यू ट्रूथ, बेहतरीन. मैंने बनाया है द नीड फॉर रिसर्च, और दूसरा मैंने बनाया था लेसन्स फॉर जेनरेशंस. हाँ, स्टूडेंट्स ऑलवेज मेक बेटर टाइटल्स देन माई सेल्फ, सो योर टाइटल्स आर वे बेटर देन द टाइटल्स दैट आई हैव मेड. ठीक है जी, तो जी ये है आपके कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका. We will write all the questions as well as the answers. We will indent our answers, and that is how we go about it. Galileo, pura passage Galileo ke upar to nahi tha. Galileo ne kaun sa lesson diya iske andar? Galileo ne to diya hi nahi. Pehli line mein Galileo aake gayab ho gaya tha. Haan, ye nahi karenge hum. Ye nahi karna. Upar line likhenge. The most suitable title for this passage is colon. We come to the next line and simply write it. Refined, ठीक है जी, लेकिन not this. Loyalty with the heritage, very good. Attitudes is one word. One word is wrong. 3 to 6 words का basic bare minimum होना चाहिए. ठीक है जी, अब मुझे बताएं comprehension में किसी किस्म की कोई confusion रह गई हो. एक और important बात, yes, comprehension आपकी हम प्रेसी आखिर में attempt करते थे. Second last thing to be attempted would be your comprehension. ठीक है ना, ये याद है, स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन इधर भी बता रही हूं, ये सेकेंड लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, और लास्ट पे ऑफकोर्स प्रेसी करनी है, और उसके पहले सारा पूरा पेपर करना है. ठीक, इफ देर इज एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू आंसर. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई consider that you have understood the comprehension very very well. Rules are ke ek hi question ka ek hi answer nahi dhoondna, do teen sawalon mein ek hi baat repeat ho sakti hai. Let it happen. Bachpan mein hum har sawal ka alag alag answer likhte the. This is not the case in FPSC's comprehension. Overlapping answers is a good thing, it happens.
उसके बाद ये है कि आपने इंडेंटेशन करनी है हर सवाल की, ठीक है। मैंने कहा प्रेसी की तरह आप पूरा फ्रेज भी कॉपी कर सकते हैं, वर्ड क्या, यू कैन कॉपी 2 to 3 फ्रेजेस, पर ये क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एक ही फ्रेज कॉपी कर ले, नॉट मोर देन 1 फ्रेज, ठीक है। यू आर अलाउड टू कॉपी फ्रेजेस बट नॉट अ फुल लाइन। उसके बाद है जी आपने सेम लाइंस को कॉपी पेस्ट नहीं करना बट फ्रेज कैन बी कॉपीड, ये लिख देती हूँ। जैसे मैंने और रिकैंट द ट्रूथ बिकॉज टॉर्चर्स ऑफ द इंक्विजिशन, ये पूरा फ्रेज उठा दिया था, इट इज फाइन, ठीक है, इट कैन बी कॉपीड। उसके बाद है स्टार्ट या एंड जो है वो अपने क्वेश्चन पे ही करना है। व्हाई डिड द ऑथर बाय अ कार, द ऑथर बॉट अ कार बिकॉज ही हैड मनी, सवाल से ही शुरू करें। 6 से 8 लाइनों का लंबा लंबा आंसर होना चाहिए, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउन, सेकंड यूजली यूज नहीं होता, ठीक है, यू शायद ही कभी आए, मे बी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहां पे आपका ओपिनियन मांगा जाएगा वो आपने करना है। आप आए और मी और माई जब आपका ओपिनियन होगा आर इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलाइक प्रेसी, ठीक है। इसमें आखिरी क्वेश्चन में हमने आर का यूज किया था एंड इट इज ओके। नेक्स्ट इज टेंस जो होगा आपके जिस क्वेश्चन के अंदर टेंस जो पूछा गया, आपसे फ्यूचर का ओपिनियन मांग रहा है आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, पास्ट की कोई बात पूछता है पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट का पूछता है प्रेजेंट में लिखेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस पास्ट टेंस में होंगे, ठीक है। व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई डिड दैट हैपन, आपकी कॉमेंट और पर्सनल थॉट पूछेगा केस के ऊपर, पर्सनल कॉमेंट्स दें तो यू कैन चूज टू निगेट द ऑथर बट इट इज ऑलवेज ईजियर टू गो विद द फ्लो। ऑथर के स्टांस को एंडोर्स कर दें और जो पॉइंट्स ऑथर ने पैसेज में दिए हैं उन्हीं के ऊपर बिल्ड करते हुए कहें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑथर ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये बातें बिल्कुल ठीक है। टाइटल का सवाल भी आ सकता है और हम इस तरह लिखेंगे द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज इज कॉलन एंड देन सेंटर में टाइटल, और टाइटल्स के वही रूल्स होंगे जो प्रेसी के टाइटल के रूल्स थे, और इंडेंट करना है जवाबों को। No, why would you do that? You don't know how long your answer would go. कोई एक लाइन का हुआ तो फिर आपने सवाल लिखना है, जवाब लिखना है, फिर सवाल लिखना है, फिर जवाब लिखना है, फिर सवाल, फिर जवाब, ऐसे नहीं करना, सारे सवाल पहले लिख के इकट्ठे जवाब नहीं करने, प्लीज डोंट डू दैट, राइट। तो जी दैट इज ऑल फॉर द कॉम्प्रीहेंशन, अभी वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक मे बी फॉर हाफ एन आवर, देन वी कैन कम बैक एंड वी विल डिस्कस आवर एसे, ठीक है, माय एसे ऑफ कोर्स व्हिच इज वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एसे टीचर्स, प्रोबेबली किसी दिन में मुझे ऐसे के टीचर्स ने पकड़ के ना खराब करना है लिटरली कि बच्चों को कैसे क्या बता रही होती है, बट दैट इज द एसे फॉर्मेट व्हिच आई वाज टॉट, आई यूज दैट इन टू ऑफ माय एसेज 2017 2019 क्वालिफाइड बोथ, हाँ, told my sister to do that, she qualified in 2019, told my husband to do that, he qualified in 2019, so I have a number of people who have done it that way, and who taught me was Raza Tanveer, twice he could not qualify because of the essays, then he looked for the people who had been checking the papers, phir unse jaake pucha hai ki aap log dhoondte kya hai, mangte kya hai, the checkers told him unko kya chahiye, then he wrote a format, ek skeleton banaya, and all his essays followed that format, theek hai, wo format main aapke sath share karungi, not only qualified his third attempt, he got allocated into PSP, he got 9th position in Pakistan, to sir raza ke liye wo falter nahi kiya, mere liye nahi kiya, do bar bhang ke liye nahi kiya, husband ke liye nahi kiya, to I know a number of people who have written essays using that format and successful the, इसीलिए वो फॉर्मेट मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आई नो दिस पेन दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ, आई हैव बीन थ्रू दैट, ऐसे हवा में होते हैं और कुछ पता नहीं होता, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इफ क्वेश्चन हैज ऑथर नेम देन विल बी मेंशन द ऑथर नेम, यस, अगर उसके नाम के साथ वो कहता है जी बेनी वॉज अ गुड गर्ल, बेनी वॉज डूइंग, अब वो आपसे कहता है वाई वॉज बेनी नॉट प्लेइंग इन साइड, आप कहेंगे बेनी वॉज नॉट प्लेइंग इन साइड बिकॉज दिस एंड दैट, जो नाउन आता है जो नाम आता है यू कैन राइट इट, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी एंटर कर देती हूँ,
nouns and names are allowed in comprehension. इसमें मना नहीं है प्रेसी की तरह, अनलाइक प्रेसी, प्रेसी में नहीं लिखने होते, याद है? तो ये हो गया. थैंक यू फॉर आस्किंग. जी सदाम बच्चे, इंशाल्लाह. ऊपर आपने कुछ पूछा है? आप बस मैम ही कह रहे हैं, सवाल भी लिखे ना. ये है कितनी प्रैक्टिस करें, आई मीन कितने पैसेजेस से के इंप्रूव हो जाएंगे. एटलीस्ट 5 तो करने हैं, एटलीस्ट 5 और एट मोस्ट 10. आपके जो है ना पिछले 10 साल, मतलब 2010 से ऑनवर्ड्स 2020 तक एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस की हो अच्छी ग्रिप के लिए, ठीक है? पर डे वो एक घंटे वाला अलार्म वाला काम आप करते जाएं, बाकी एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रेसी वीक में एक दफा कर लें. एक ऐसे, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसी हफ्ते में एक बार वुड सफाइस, दैट इज इनफ. ठीक है, एक संडे दिन रख लें, कोई वेंसडे रख लें, थर्सडे रख लें, सैटरडे रख लें. तो जी लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी कैन कम बैक इन हाफ एन आवर एंड देन वी विल डू आवर एसे अलग वाले. ओके जी, ठीक है.